गुजरात के गांधीनगर निकाय चुनाव में सभी 44 सीटों के लिए काउंटिंग पूरी हो चुकी है। बीजेपी ने 44 में से 40 सीटों पर बंपर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को कुल 3 सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। बता दें कि गांधीनगर के 11 वार्डो की 44 सीटों के लिए कुल 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। आम आदमी पार्टी के आने के साथ ही इस बार चुनाव परिणाम 3 तरफा होने की संभावना थी, लेकिन ये एक तरफा ही साबित हुआ। वहीं इस बढ़त पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि विकास के नाम पर पार्टी ने वोट मांगा, जनता का साथ हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव में बढ़त के बाद गांधीनगर में मतगणना केंद्र के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू हो गया है। समर्थक ढोल नगाड़े की धुन पर नाचते नजर आए। कार्यकर्ता एक दूसरे को अबीर गुलाल भी लगा रहे थे। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस ने जहां 44 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। मैदान में अन्य उम्मीदवारों में बीएसपी के 14, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 और अन्य दलों के 6 उम्मीदवार थे, जबकि 11 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। गांधीनगर नगर निगम का चुनाव रविवार को हुआ, जिसमें 56.24% मतदान हुआ। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।